नमस्कार दोस्तों, मैं अगुण चौधरी, आप देख रहे हैं जीएच चौधरी चैनल। मेरे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एक रोटावेटर के बारे में, जो कि शक्तिमान कंपनी की तरफ से आने वाले रोटावेटर के बारे में आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपको किस प्रकार से मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है और किस प्राइस में आपको यह वाला मिल जाता है। इस वाले रोटावेटर को तकरीबन मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी सारी जानकारी आपको स्टूडियो में देने वाला हूँ। तो देखते स्टूडियो का, आइए, आपको वाला वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटावेटर के बारे में, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। रोटावेटर जो कि शक्तिमान कंपनी की तरफ से आता है, जो कि ऑरेंज अथवा आप रेड कलर भी बोल सकते हैं इसको, जो कि इस कलर में आपको अभी आप देख रहे होंगे, जो कि इस कलर में आपको रोटावेटर मिल जाता है, जो कि देखने में लुक काफ़ी जो अट्रैक्टिव है। और ट्रैक्टर के पीछे पीछे आप लगाओगे तो काफ़ी हैवी रोटावेटर है। और इस वाले रोटावेटर आपको 6 फुट के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि इसकी जो लेंथ है वो 6 फुट है और आपके ट्रैक्टर के पीछे आसानी से लग जाएगा। और इसका चलाना भी आसान है, इतना कुछ है नहीं। तो अगर आपके पास 41 HP का ट्रैक्टर है तो आपको इस वाले रोटावेटर को चला सकते हो, और 37 HP के ट्रैक्टर के पीछे भी इसको चला सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रंडी का वगैरह जब भी आप खेत में इसको चला रहे हो तो थोड़ा सा ट्रैक्टर को हैवी लगेगा, तो ये दिक्कत आ सकती है आपको। नहीं तो 41 HP के ट्रैक्टर के पीछे आप इसको जो है बड़े आसानी से चला सकते हो इस वाले रोटावेटर को। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसको आपको जो चलाने में कैसा है। तो चलाने में बिल्कुल स्मूथ राइड है और किसी भी प्रकार की इसमें मेंटेनेंस फ्री है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं आएगा। अगर आप 2 साल के लिए घर काम के लिए इसका यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो और इसको कंडीशन कर सकते हो, जो कि शक्तिमान कंपनी का तरफ से वाला मिल जाता है। और रोटावेटर कंपनी में वाला शक्तिमान, महिंद्रा और लेंसर अन्य तीन चार कंपनियों का आपको मिल जाएगा, जो कि जिसमें कि हम लोगों ने शक्तिमान का लिया था, जो कि काफ़ी बेहद है, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। तो आप इसको डेफिनेटली कंडीशन कर सकते हो अगर आप इसमें तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन देखना चाहते हो, तो शक्तिमान का जो डेफिनेटली आप इसमें खरीद सकते हो। बात कर लेते हैं रोटावेटर में कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो लेंथ वाइज आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि 5.5 फुट है, 6 फुट है और 6.5 फुट है, ये वाले तीनों में ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब इसके पत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रोटावेटर के नीचे लगता है, जो कि इसका मेन काम होता है, जो कि एक आता है 42 ब्लेड वाला और एक आता है 53 ब्लेड वाला, 53 ब्लेड वाला। तो इसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो इसमें से जो है आपको डेफिनेट 42 पत्तियों वाला ब्लेड वाला था, उसको आपको कंडीशन करना चाहिए, जो कि ये वाला चलने में अच्छा है। और आपको जिसमें खेत में रंडी वगैरह का फसल में अथवा राई के फसल में जब भी आप चलाते हो तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जबकि अगर आप 53 पत्तियों वाला लेते हैं तो उसमें से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा आपको बच जाएगा। तो आपको जो है 42 पत्तियों वाला आपको लेना चाहिए, जो कि ट्रैक्टर के थोड़ा बहुत हैवी लगेगा, लेकिन जो कि ये वर्थ इट रहेगा अगर आपके लिए 42 पत्तियों वाला। और 53 पत्तियों वाला भी आता है, जो कि ट्रैक्टर में चलने में आसान रहेगी, जो कि 35 HP का अगर आपको ट्रैक्टर है तो डेफिनेटली आप 53 पत्तियों वाला ले सकते हो, जिस ट्रैक्टर को चलने में थोड़ा सा आसान रहेगा। और अगर आपके पास 41 HP का ट्रैक्टर है तो डेफिनेटली आप 42 पत्तियों वाला ही लीजिए, ताकि आपको जो है कभी भी जो निराश नहीं करेगा ये वाला रोटावेटर। अब बात कर लेते हैं इसकी मेंटेनेंस खर्चे की। तो ये वाला जो तकरीबन मैं 2 साल से चला रहा हूँ, तो केवल और केवल इसमें जॉइंट की जो आपको चौकड़ी बीच में मिल जाती है, वो वाले जॉइंट वाली जो है वो चौकोर बैरिंग वाला रहता है, वो वाला कटेगा। तो आपको जो है 300 से 400 रुपये देकर और उसको जो बड़े आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। और अगर आप इसमें टाइम टू टाइम गैरिश वगैरह करते रहोगे तो उसमें भी इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, जो कि बड़े आसानी से आपको 30 से 40 घंटे जो बड़े आसानी से निकाल लेगा, जो कि जॉइंट की चौकड़ी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो नीचे मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें आपको अगर आपने टाइम टू टाइम गैरिश वगैरह किया रहेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें जो है टाइम टाइम इसमें ऑयल डालना पड़ता है, जो कि ऑयल को फिल के हाथ से कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, जो कि ऊपर वाला नट आपको खोल रहता है और उसके अंदर आपको जो है ऑयल वगैरह डालना पड़ता है। और एक दिक्कत आती है इसके रोटावेटर की सील जो चली जाती है, इसी जो शक्तिमान रोटावेटर में बिल्कुल भी नहीं जाती, और किसी किसी में जान लगती है तो 100-200 घंटे के अंदर आपकी जो रोटावेटर की सील रहती है उसको जो है चली जाती है, तो उसको आपको रिपेयर करवाना पड़ता है, जिसमें कि आपको खर्चा 1500 से 2000 रुपये तक आ सकता है। रोटावेटर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी रोटावेटर में सील जो चली जाती है और किसी किसी में अभी ये वाली 2 साल तक भी नहीं जाती। तो ये है उसका कुछ कहने से सील का। और अगर आपको सील चली गई तो आपको 2000 के तकरीबन आपको खर्चा आएगा। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से मैंने एक वीडियो कल अथवा परसों डाला था, जिसमें कि रोटावेटर की सील को किस प्रकार से चेंज किया जाता है।
तो वो है आप यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके देख सकते हो। ये वाला चलान में काफ़ी आसान है और मैं तकरीबन इसको 2 साल से चला रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आई। और इसमें एक जोड़ी ब्लेड है जो कि वो मैंने दूसरी डाल दी, जो कि एक जोड़ी ब्लेड घिस गई है, तो जब वाली ब्लेड टूट जाती है तो उसकी जगह पर आपको दूसरी डालनी पड़ती है। इसका खर्चा तकरीबन आपको 7,000 रुपये आएगा, 7 या 8,000 रुपये के अंदर आपको नई ब्लेड इसकी मिल जाएगी, जो कि 43 ब्लेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन आपको 7,000 के अंदर मिल जाएगा, जो कि तकरीबन आपको 1.5 से 2 साल में आपके यूजेज पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ब्लेड कितने देर में बाद में टूटती है। तो अगर आप किराए पे वगैरह चलाते हो तो आपको सिंपली 1 साल में इसको चेंज करना होता है, और अगर आप घर का काम कर रहे हो तो डेफिनेटली 3 से 4 साल तक आपका चल जाएगा, जो कि यही है यूजेज पैटर्न के ऊपर इसका ब्लड का डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी जो ब्लड घिसेगी उतनी जल्दी ब्लड टूट जाएगी, तो उसकी जगह पर आपको पूरा का पूरा सेट जो है नया डालना पड़ेगा। और यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसको मैं तकरीबन 2 साल से चला चुका, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो नुकसान नहीं आया मेरे, और चलने में काफ़ी स्मूथ है, और डॉक्टर को भी इतना ज़्यादा जो लोड नहीं पड़ता है। मेरे पास एक कल सर्जरी का फार्माटेक डॉक्टर है जो कि बड़े आसानी से इसको खींच लेता, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई, और बड़े से बड़ा जो कितना भी अरंडी का वगैरह जितना बड़ा है हम लोगों के बस तकरीबन 15 फुट तक इसका अरंडी की फसल हो जाती है, तो उसको बड़े आसानी से काट देता है, तो चलान में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हम लोगों को अभी तक नहीं हुई। और इस वाले रोटावेटर को जो हम लोगों ने सेल आउट कर दिया, और इसमें गवर्नमेंट सरकार के अंदर तकरीबन हम लोगों को सब्सिडी मिली थी, जो कि 40,000 रुपये हम लोगों को सब्सिडी मिल गई थी। और इसके MRP की बात करें तो रोटावेटर आपको तकरीबन 95,000 लगा के और 1,05,000 तक आपको मिल सकता है, और आपका स्टार्ट के हिसाब से इसकी प्राइस वेरी करती रहती है। तो हम लोगों के यहाँ पे जो 95 यानी कि 95 जो सरकार के और 1,00,000 के तकरीबन हम लोगों के रोटावेटर मिल जाता है, जो कि शक्तिमान कंपनी के रोटावेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि 42 ब्लेड वाले रोटावेटर मिल जाता है। और इसमें हम लोगों को तकरीबन 40,000 सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो हम लोगों को 60,000 में वाला पड़ा था, और इसको जो अभी हम लोगों ने 2 साल चलाने के बाद में इसको जो है सेल आउट कर दिया है, और हम लोग जो नया रोटावेटर रहने वाले हैं उसका भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ 2 दिन बाद में, क्योंकि यही सेम कंपनी शक्तिमान कंपनी का भी हम लेने वाले हैं, तो यही कंपनी लेंगे और 42 पतियाँ में ही लेंगे। थोड़ा बहुत चेंज इसमें कंपनी ने किया, उसको क्या चेंज है वो आगे वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट रहता उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो उसके लिए जो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा उसके ऊपर जो क्लिक कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी एनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि जो है हमारा जो वीडियो टिप हम डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाओगे। तो यही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्राइस का मैंने बता दिया, और इसका जो है खर्चा वगैरह क्या मेंटेनेंस वो भी मैंने आपको बता दिया। और भी कोई डाउट हो अथवा रोटावेटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी अन्य टॉपिक का वीडियो अगर आप चाहते हो तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस वीडियो को जो है मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यही है, कहीं आई होप आपको वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी एनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से अगले वीडियो में।